तो तमाम लोगों से आप लोग रोज सुनते हैं। अरे वाह। आज भी हम जानते हैं कि देश विदेशों से कोई ऐसा दिन नहीं है कि 10-15 फोन हमारे पास न आता हो। गाए ना भैया कि बिरहा तो हमने बहुत सुना, लेकिन जो बिरहा आपने गाया है तो यूट्यूब पर आपका नंबर है, आपको सलाम करना चाहता हूँ। सुनेंगे इस बिरहा को दिल था, हमको भूमिका में कभी लिखा है। कि प्यार परिहर किसी ने भरोसा किया, प्यार में लैला मजनू को दिल दे दियो, हीर राजा को इतिहास गाता सदा, प्यार पाकर के मीरा ने विष पी लिया, मगर प्यार में वासना जब भरा तो इस रिश्ते को उसने कलंकित किए, खाके ठोकर उसी प्यार में बंधना, दिल दीवाने से आखिर कसम ले लिया। लिखा है कवि ने, एक प्यार करने वाले वो लोग थे, लैला मजनू ही रांझा जूली फरहाद, जिनकी पाक साफ मोहब्बत को मेरा इतिहास गाता है। लेकिन बाहर आज का समाज, आज का परिवेश क्या इस समाज है। आज का कवि लिखा है बिरहा में कव्वाली है, वह लाइन है, मेरा महबूब, मेरा महबूब मेरे मेरा महबूब मेरे साथ बड़ा चाल किया, हाँ चाल किया, चाल किया, चाल किया, चाल किया, प्यार मांगा था, प्यार मांगा तो गार्ड इज लव, लव इज प्रेम, बहुत ऊंची चीज होती है। लिखा है कवि ने, करके प्यार जो रास्ते से भटक जाते हैं, करके प्यार जो रास्ते से भटक जाते हैं, कांटा बन के वही, कांटा बन के वही दिल में खटक जाते हैं, ललार लार 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 गजब के प्यार का अफसाना ये सुनाता हूँ, गजब के प्यार का अफसाना ये सुनाता हूँ, धोखा प्यार में जमाने को बताता, बीएचयू बनारस की सुनिए ये कहा, दो दिलों में चढ़ी प्यार की दवा,
चढ़ता राहुल सिंह ये मने सयाना, प्यार में वंदना के हो गया दीवाना, इश्क के गोद में दिन रात वो समाये, इश्क के गोद में दिन रात वो समाये है दोनों प्यार में। जिस हिंदू विश्वविद्यालय को पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने हमारे देश से नहीं बल्कि विदेशों से चंदा मांग करके बाबा भोलेनाथ के नगरी में स्थापित किया, जहां आज देश विदेश के लड़के लड़कियां शिक्षा लेने आया करते हैं, वही बीएचयू में बाबू पटना का रहने वाला राहुल सिंह नाम का लड़का एमए में शिक्षा ले रहा था, और वही बिछिया कॉलोनी गोरखपुर की रहने वाली रेलवे स्टेशन से ठीक नीचे बिछिया कॉलोनी है, वही की रहने वाली ब्राह्मण परिवार की एक लड़की जिसका नाम था वंदना मिश्रा, जो ही बीएचयू में शिक्षा ले रही थी, पढ़ाई के दौरान बाबू एक दिन राहुल की नजर वंदना पे पड़ी, और जब नजर पड़ी उसके खूबसूरती को देखा दीवाना हो गया, धीरे धीरे उसका पीछा करते 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 आखिर एक दिन उससे मोहब्बत कर ही लिया, ले के गया एक होटल में, कहा कि वंदना तेरे बगैर मेरी जिंदगी अधूरी है, दोनों जीने मरने की कसमें खाए, कहा राहुल सिंह की कुछ दिन पढ़ाई पूरा करने के बाद बाबा विश्वनाथ के मंदिर में ले चल के तेरी मांग को सजाऊंगा, दुल्हन बनाकर अपने करोड़पति बाप के हवेली में ले चलूंगा। धीरे धीरे कुछ समय बीता ले बाबू तो यहां बिरह में ठेगी तो कौन का भाई, वह गीत बा के सुंदर अली बनिहारी, अरे सुंदर अली बनिहारी कुआ नवा उमर तया, कहीं वंदना कहीं प्यार में धोखा तो नहीं करेंगे, अरे पगली क्या बात करती है, क्या समझा रहा है कि जीवन जोड़ी रही यादगार हो पीतिया हमार नहीं टूटी, बगैर शादी का दोनों में शारीरिक संबंध स्थापित होने लगा, वंदना के पेट में राहुल का प्यार पलने लगा, तीन चार महीना बीता, गई वंदना आंखों में आंसू लेके राहुल से फरियाद करने लगी कि आपका प्यार मेरे पेट में पल रहा है, चल के बाबा विश्वनाथ के मंदिर में मेरी मांग को सजा दीजिए, ताकि जमाने के लोगों से मैं बता सकूं कि इस आने वाली औलाद के बाप का नाम राहुल सिंह है। का करे पगड़ी घबराओ मत, बच्चे को जन्म दो, चाहे बेटा जन्म लेगा चाहे बिटिया, हम अपनी औलाद को गोद में लेके तेरी मांग को सजाएंगे। उस लड़की को समझा बुझा के स्वस्थ कर दिया, लेकिन क्या हुआ जब आठवां महीना प्रवेश किया तो के धीरे धीरे टूट गई साजल सपना, राहुल जब हो गई फरार हो, और राहुल जब हो गई फरार हो पीड़ितिया हमार नहीं टूटी, जब देखा और राहुल सिंह की मात्र 15-20 रोज के बाद
वंदना के पेट से बेटा चाहे बिटिया जन्म लेगी। कहा कि मोहब्बत करके मैं तो फंस गया। वंदना के नाम से एक पत्र लिखा और दूसरे लड़की के माध्यम से भिजवा दिया। खोल के जब वह पत्र पढ़ती है, बाबू लिखा था राहुल सिंह कि वंदना तुझे मालूम कि जवानी के जो होश खो करके मैं तुमसे मोहब्बत कर लिया, उस जोश में जो तुम्हारा प्यार मेरे तुम्हारे पेट में मेरा प्यार पल्ला है, उसका एवार्सन करवा के अपनी आबरू को बचा लेना। मैं सदा सदा के लिए विद्यालय छोड़ के जा रहा हूँ, जिंदगी में मुड़ के तलाशने की कोशिश मत करना वरना इसका अंजाम बुरा होगा। पत्र पढ़ के बाबू झरझर झरझर आंखों से उसके आंसू गिरने लगे। किस परिस्थिति में मैं जाऊं तो जाऊं कहां, करूं तो क्या करूं, मेरी नैया तो दलदल में फंस गई है। लेकिन उसकी सहेली एक थी जिसका नाम था निर्मला, जो प्राइवेट क्वार्टर लेके पढ़ा करती थी, उस पत्र को लेके आंखों में आंसुओं को लेके गई है। निर्मला का दरवाजा खटखटाई है, बाबू जब दरवाजा खोलती है अपने सहेली के पैरों पे गिर जाती है और क्या कहती है, संकेत से हो गए। अरे वंदना कहो ली जाके ओई निर्मला से बतिया हो, वंदना कहो ली जाके निर्मला से बतिया हो, सुझे ना सहेली। इस समाज में मैं जीना नहीं चाहती हूं रे पगली, कोई रास्ता मुझे बता। कही निर्मला क्या तुम्हारा प्रेमी कुछ कहा है, कलश कहने की बात मत कहो, उसका ये पत्र पढ़ लो क्या लिखा है और क्या कहती अगली लाइन में, कई से के पोछी सखी हमारी इज्जतिया हो, कई से के पोछी सखी हमारी इज्जतिया हो, भैले माला उसकी सहेली आंसू पोंछने लगी, समझाने लगी, अरे पगली सुनो, कही कि अब जीना नहीं चाहती हूं, सहेली कहीं से चुटकी भर जहर ला के दे दे, मैं अपनी जीवन लीला समाप्त करती हूँ, समाज में जीने के लायक नहीं हूं। कहला सरे पगली क्यों मरना चाहती है, मात्र 10-15 दिन की तो बात है, मेरे क्वार्टर में पड़ी रहो, आज अब प्रसव पीड़ा का दर्द होगा ले चलूंगी किसी नर्सिंग होम में, तुम्हारे तन से बेटा चाहे बिटिया जो भी जन्म लेगा उसका गला दबा के हत्या करके किसी नाले नापदान में फेंक देंगे और समाज में तेरी आबरू भी बच जाएगी, जमाने में कोई नौजवान तेरे हाथ को थाम नहीं लेगा। अपनी सहेली के बात के मान के रहे लगल हो पंचे। 10-15 रोज के बाद एक दिन रात को प्रसव पीड़ा का दर्द हुआ, उसकी सहेली टेम्पू मंगवा करके बनारस के मलदहिया में राधे नर्सिंग होम में ले जाकर एडमिट करती है और बहुत छोटा ऑपरेशन से हल्के ऑपरेशन से एक सुंदर बेटा को जन्म देती है। कुछ देर के बाद होश में आती है, नर्स उस बेटे को नहला धुला के ले जाती है, बेड पे उस मतारी को देती है, कहती है ले तेरे बेटे का मुखड़ा लगता है चांद का टुकड़ा है। बिरहा में रामदेव गुरु के गीत लगला हुआ, सावन महीना अरे सावन नैया निकलो गेला, अकालती लगा के हई गोरैया निकलो गेला,
आ रस रस झूलेली झूलनवा राधे हो काधा मान मोहन ब्राहक लाइन में कभी लिखत हुए कि ठानी के परानिया अरे सुआना जनमावली आ देखे जब सुघर ललनवा गोरिया हो मनवा मोहला दूना लेके सोचत बाप कि अगर इसकी हत्या करूंगी ये समाज में तब मेरी आबरू बचेगी और एक तरफ सोच रही है कि मेरे तन से जन्मा हुआ मेरे कलेजे का टुकड़ा है। धीरे धीरे बाबू 6 रोज बीतल वो हॉस्पिटल में, 7वें रोज डॉक्टर से कहली हम लोगों का हिसाब कर दीजिए हम लोग जाएंगे। हिसाब डॉक्टर कह देलन, पैसा वैसा तो जमा करी, लेकिन कहलस ओकर सहेली कि डॉक्टर साहब हम लोग बड़े दूर से आए हैं, आज के रात ठहरने दीजिए, कल सुबह चले जाएंगे। कहा डॉक्टर कोई बात नहीं, रुक जाओ। लेकिन भोर का बेला जब भैले पंचो, रात के 3 बजल दोनों सहेली और मासूम बच्चा के लेके हॉस्पिटल से राधे नर्सिंग होम से बाहर निकल गई और लेके कंधे पर सोए हुए गर्मी का सीजन है बालक को लेके कुंवारी माँ वो वंदना लेकर के कंधे पर चल रही है टेम्पू से, दोनों चलती हैं लंका के तरफ। बीच में थोड़ा सा सुनसान जगह पड़ा है, वही टेम्पू वाले को रोक देती है कि गाड़ी रोक दो, पैसा देती है, खर्राटा भरते टेम्पू वाला चल दिया। कंधे पर लेके अपने बालक को खड़ी है, बगल में उसकी सहेली खड़ी है, आवाज दे रही है निर्मला क्या तमाशा देखती है, सोए हुए अपने बेटे के गर्दन को दबा दे, फेंक दे उस नाले में, यहां से फरार हो चले। नहीं बोलती है, चुपचाप खड़ी है। दूसरी बार उसकी सहेली आवाज देती है दबा दे अपने बेटे के गर्दन को देख लो, नहीं बोलती है। तीसरी बार उसकी सहेली चलती है कही तुम्हारे पास अगर बच्चे के लिए ममता है तो ला हमें दे दे, इस बेटे की हत्या मैं कर देती हूं। और जो ही उसके गोद से लेना चाहती है तब तक वंदना निर्मला की कलाई को पकड़ लेती है और क्या कहती है, कलश की अरे मोरे राम है पर नवा का सुगनवा कले, अरे पर नवा का सुगनवा हो पर नवा का सुगनवा कले, प्यार में धोखा खा के झंख दिबा कही कि नहीं रे सहेली नहीं, इस बाप को तो अपने पेट में मैंने पाला था, इसका क्या कसूर है, नन्ही सी जान तो इस जहान को अभी देखा भी नहीं है, कैसे इसकी हत्या करूंगी मैं, इसकी हत्या न करूंगी न तुझे करने दूंगी। समाज में मेरे आबरू को अगर बचाना चाहती है तो कोई ऐसा तरकीब लगा कि नन्ही सी जान भी इस जहान में जिंदा रहे और समाज में मेरी लोक लाज भी बच जाए। ओकर सहेली 5 मिनट के बाद एगो उपाय बतौलस, ई का कहलस बाबू बाबा, कहलस की लोक लाज कैसे बची, ए बाबू तिहली उपाय राची, आ दोनों साखी मिली के हाई बनवली ओ जनवा, कलश की लाल के छुपाई कहवा, आ लेके हम जाई कहवा, तो बाबा विश्वनाथ मंदिर अब ऐली ते छनवा। ओहिया से टेम्पू कही और जे भाई दर्शन करे गए लो देखले बा, भोरवे के बेला में पहुंचली है बाबा विश्वनाथ के मंदिर पे, तमाम नारियल फूल चुनरी बेचने वालों की दुकान सजी है, वही मासूम बच्चा के लेके दोनों घूमत है,
देखली कि एगो 60 बरिस के पुरनिया दुकान पर बैठल हवन। वही दुकान पर दोनों सहेली गईली प्रसाद ले ली। कहली कि बाबा बाबा के मंदिर में बड़ा भीड़ बा, हाई लड़कवा सुत गई बा, कहता तो तोरे दुकनिया पर सुता देती जा, बैगवा पर रख देती जा, पूजा कर गई थी जा, लेके चल जाती जा। बुढ़ऊ के दया आ गई, कहला के सुता दे बिटिया। दोनों अपन बैग कंधा से निकाल के रख दिली, अपन चप्पल दोनों निकाल के रख दिली और 7 रोज के मासूम बच्चा के सुता दिली। का कहली कि मलिया के लाल दिहली, आए पंचो दर्शन के बहाना कैली, आ छोड़ी छत्रवास दोनों हौ भगली माया नवा। वो काहे के आवा, काहे के मंदिर में पूजा करे जा, छोड़ के दोनों फरार हो गई अपने क्वार्टर पे। लेकिन धीरे धीरे जब 3-4 घंटा बीतल तले वो बुढ़ऊ का बुढ़िया दुकान पर पहुंचल, कहला बुढ़ऊ के ए एक ऐसा लड़का रख ले हुआ, बैग रख ले हुआ, चप्पल रख ले हुआ। बुढ़ऊ माली जो रहा कहला कितने लड़का के सम्हारा रोबत बा, दुई गो में अरारू अली भरवे में गईली, बाबा विश्वनाथ के मंदिर में बही लवट के नहीं अली। तय भैया अब लड़का खोज खाज के बुढ़ऊ 3-4 घंटा हार गेलन। कहलस बुढ़ऊ अब का हुई, बुढ़ऊ कहला घबरा मत, उस 7 रोज के मासूम बेटे को वो बूढ़ा मालिक कंधे पर उठा लिया और दोनों महिलाओं का कंधे में बैग टांग लिया, हाथ में चप्पल और 7 रोज के बच्चे को लेके चल दिया। कहाँ चला, कहाँ भैया हो लेकर के चल दिया, ले चलूंगा इस मुन्ने को कोतवाल साहब को सुपुर्द कर दूंगा। लेके चला है बाबू कोतवलिया सब कुछ है दूर पर हल तौले को पेड़ के नीचे 27-28 साल का नौजवान जो उत्तर प्रदेश पुलिस का वर्दी पहना था खड़ा था। दूर ही से नजर पड़ी उस बूढ़े पर। आज अब लड़का के लेके ले धीरे धीरे करीबे अल तो सिपाही बुलाया कि बाबा सुनिए, इस मासूम बच्चे को गोद में लिए हैं, दो दो महिलाओं का कंधे में बैग लिए, हाथ में दो दो महिलाओं का चप्पल लिए हैं, आखिर इसकी माँ कौन है? बाबा की बढ़ोती में इतनी जलालत की जिंदगी आप झेल रहे हैं? इतना ही कहा बाबू उस माली की आंख से झरझर झरझर आंसू बहने लगे। और जब उस लड़के का पूरा दास्तान बतलाया, कहा वो सिपाही कि बाबा मैं इस कोतवाली का सिपाही हूं, मेरे गोद में इस मुन्ना को डाल दीजिए, बाबा मेरे गोद में डाल दीजिए। कहा वो बूढ़ा सिपाही डाल दीजिए। मालिया सोचलस कि चाहे कोतवाल के दा चाहे सिपाही के लड़का से हमार गला छूटे। बिरहा में गीत वहरा ला कौन गीत बा? परिचय पाएंगे हमारे उत्तर प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा ग्राम सभा है, उसका नाम है गहमर, गाजीपुर में पड़ता है। उसी गहमर का रहने वाला मनोज यादव सिपाही छुट्टी पे आया था, ड्यूटी पे जा रहा था,
ले लिया गोद में उस दूध मुहे बच्चे को, दूध का इंतजाम किया, सुंदर वस्त्र खरीदा और लेके बनारस कैंट पे पहुंचा। रिजर्वेशन थी, गाड़ी आई समय से अपने सीट पर लेके उस मुन्ने को बैठ गया। कहा उस लड़के को लेके चला गया, लेके चली गई ले वो ही मेरठ के सहरिया बाप। दाई के लगवले उका रहले सम करे लगले पलनवा के, ले गया मेरठ में एक दाई को नियुक्त किया भाड़ा पर, उस लड़के का परवरिश कराने लगा और कसम खा लिया मनोज यादव कि इस बच्चे के परवरिश के लिए ता जिंदगी अपनी शादी नहीं कर सकता हूं, यही मेरे बुढ़ौती का सहारा होगा, इसे पढ़ा लिखा करके एक अच्छा इंसान बनाऊंगा। धीरे धीरे परवरिश करने लगा। 5 साल का वो लड़का हुआ, नाम रखा दीपक कुमार, कॉन्वेंट विद्यालय में पढ़ने लगा। धीरे धीरे और समय बीता ले पंचो, जब 8 साल का दीपक कुमार हुआ, एक दिन रविवार का दिन था, छुट्टी थी, क्या किया वो मुन्ना, एसपी के बंगलवा खेला, एसपी के बंगलवा खेला गोइल बासुगंधवा बाप। और ये 100 रुपए का पुरस्कार मनोज साउंड सर्विस सुल्तानपुर मऊ के पावन धरती से वीर अहिर मनोज यादव, जिनका पूर्वांचल नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में एक छाप है। बहुत बहुत भाई के प्रणाम बा। ए भैया, लड़का गजात खेलते हुए गया सिटी एसपी के बंगले के सामने पहुंचा, तब बड़े बड़े अधिकारियों के भैया भैया बंगले के सामने देखते हैं तरह तरह के पौधे फूल खिलाए जाते हैं, लड़का के जात जाके एक फूल तोड़ लेलस कोनो बात नहीं, जो ही दूसरा फूल तोड़ता है उस बंगले का रखवाली करने वाला जो माली था उसकी नजर पड़ी और हवेली से बाहर निकला, दौड़ते हुए गया बाबू और दीपक कुमार के कालर को पकड़ लिया, पकड़ लिया दीपक कुमार के कालर को, यही नहीं धक्का दिया फर्श पे, मुन्ना गिर गया, उसका सर फट गया। कहा गया इंदेश्वर वाली फुलवारी में आने की जरूरत मत करना। गनगन गनगन कांपते हुए और रोते बिलखते वो मुन्ना भागते उस कैंपस में गया, जहां उसका धर्म का बाप मनोज यादव उसके लिए भोजन बना रहा था। देखा अपने बेटे के गाल पे चाटे का निशान सर से बहता हुआ लहू, गोद में पकुठा लिया अपने मुन्ने को, रे मुन्ना ये चोट कैसे लगी बेटा, ये चोट तुझे कैसे लगी है मेरे मुन्ना, ये चोट कैसे लगी है। रो रो के बताया दीपक कुमार के पापा हुई फुलवारी में घूमत चल गई, वो पापा फूल दूठे तोड़ दिली, उस घर के अंदर से एक आदमी आया मुझे मार दिया पापा, मेरा सर फट गया है, तम तमा गया सिपाही। अपने मुन्ने की बाह को पकड़ा मनोज यादव सिपाही सिटी एसपी के बंगले पर आकर के खड़ा हुआ, बाबा
और आकर के आवाज दिया, आज बंगले के अंदर कोई तो माइकल और बाहर निकला। आवाज सुन के मनोज सिपाही का वह माली भागते हुए आया, फर्श पे खड़ा हुआ, कहा रे सिपाही क्यों चिल्लाते हो? तो ले लड़कवा कह दिला सौ पंचे पापा हमको ये मरला ना। कहा मनोज सिपाही बड़ा धैर्य संयम से, मालिक तुझे कोई औलाद दिया है कि नहीं दिया है? कहा मालिक ये औलाद वाले बनते हो तो लेकर अपने औलाद को यहां से दूर हो जाओ, मुझे जानते नहीं हो, सिटी एसपी के बंगले का माली हूं, नौकर हूं, चाह दूंगा तो नौकरी से सस्पेंड करा दूंगा। सोचने लगा वह मनोज यादव की धन्य बाबा भोलेनाथ के नगरी में एक माली मिला जो इस सुमन को हमारे चमन में डाल दिया, और धन्य एक माली मिला जो इसके सर से लहू निकाल दिया। अपने को रोक नहीं पाया, तमतमाते हुए चला, पकड़ लिया उसके कॉलर को, हंसी के लाया उस फुलवारी में जहां उसके मासूम बेटा को मारा था। तो तनिषा गाना भी रस कर चला, पकड़ के लाया घसीटते हुई माल फुलवारी में, आ गिरा के मारे लगल कहल जाए सस्पेंड हो चाहे बर्खास्त हो, नहीं अपने को रोक पाया मनोज सिपाही। क्या किया बाबू लगल गिरा के मारे हुई फुलवारी में हंगामा होने लगा, शोरगुल शोर करके चारों तरफ से सिपाही दौड़ पड़े, पकड़ लिए मनोज यादव को। तुझे मालूम है कि नहीं कि सिटी एसपी के बंगले का माली है? कहा साला इबली क्विंटल के बंगले का माली क्यों न हो? जौले सिपाही धरत हुआ तो लोग हालत का कर दिला, पकड़ लिए सिपाही। वायरलेस सेट पे सूचना दी गई, सीडीएसपी को सूचना दी गई कि आपके बंगले पर रखवाली करने वाले माली को एक सिपाही मनोज यादव ने जख्मी कर दिया है। सूचना पाती है महिला एसपी, दलबल के साथ आती है अपने बंगले पर, सिपाहियों से पूछती है कि इसे मारने वाला कौन है? साथ के सिपाही बताए कि हुजूर इसे मारने वाला ये मनोज सिपाही है। तमतमा जाती है एसपी महिला और सिपाहियों को आदेश देती है, मनोज यादव सिपाही को गिरफ्तार करवा लेती है। गिरफ्तार करवा के हाथ पांव पाए में बधवा देती है, बधवा देती है हाथ पांव पाए में, सिपाहियों को आदेश देती है इसमें तब तक लाठी बरसाओ जब तक मैं मना न कर दूं। सात के सिपाही जब मारे लगल हो पंचे, झरझर झरझर मनोज सिपाही की आंख से आंसू गिरे लगल, कहा एसपी साहिबा मुझे माफ कर दीजिए, एसपी साहिबा मुझे माफ कर दीजिए। तब आवाज देती है सिपाहियों को, इसे अब मारो मत और पाए से खोल दो। खोल देते हैं सिपाही,
बैठ गई कुर्सी पे एसपी महिला, आओ बुलाती है, आओ मेरे पास, क्या कहना चाहते हो? लड़खड़ाते पांव चला है उसका, 8 बरस का बेटा बगल में खड़ा है। तो बिरहा में एक गजब के गीत लगा ली, एक बिरहा जगत में गीत में हम छोड़ ली पहले। कहली की बंदर कूद जा जमुना वन में, कूद जा जमुना वन में, मन लो ना कहो ना घर मेरा सरिया हो डल के घूमता मदरिया हो लेके सिपाही गया हाथ छोड़ के कहता है बाबू एसपी साहिबा के सामने, जाई के सामाना वाऊ करला बयाना वायर करला बयाना वाहो माफ करो गला की हाँ कहा कि एसपी साहिबा मुझे माफ कर दीजिए। कही वो महिला एसपी की तूने हमारे मालिक को जख्मी किया है, हॉस्पिटल में है, एक मासूम बेटे के लिए ऐसा किया तूने? कहा कि एसपी साहिबा सुन लीजिए, ये मेरा धर्म का बेटा है, मेरा बेटा नहीं है, और इसके लिए मैंने कसम खाया है एसपी साहिबा की ता जिंदगी, इसके परवरिश के लिए मैं अपनी शादी नहीं कर सकता हूं, तो आप ही बताइए कैसे के आंसू देखी एकरी नायना एकरी नायना हो अखिया से बहे जल कहा एसपी साहिबा इसके आंखों में आंसू कैसे देख सकता हूं जिसके लिए मैं अपनी जिंदगी और जवानी को दांव पे लगा दिया हूं। बोल पड़ी एसपी महिला के तेरा बेटा नहीं है, तेरे बहन का बेटा होगा, रिश्तेदार का होगा, किसी हित मित का होगा, इसके लिए तू इतना बड़ा जघन्य अपराध किया? कहा कि एसपी साहिबा एक चीज और जान लीजिए, न ये मेरे हित का बेटा है, न बहन का, न भाई का, न रिश्तेदार का, न पटीदार का। पूछी किसका बेटा है तो क्या बताया के करी जेता नावा से जन्मल सुगाना वायर जन्मल सुगाना वाहो जनी है गोसैया कारा का एसपी साहिबा दुनिया में इसकी माँ कौन है, इसका बाप कौन है, ये हम नहीं जानते हैं, सिर्फ ऊपर वाला जानता होगा। एसपी साहिबा तम तमा गई कि तेरे फरियाद से मैं तुझे बकसने वाली हूं नहीं हूं। एसपी साहिबा ने आवाज दिया, सिपाहियों को आदेश दिया, कोतवाली से दीवान और मुंशी को तत्काल बुलाया जाए, जीडी लेके हाजिर हो। आदेश पे तुरंत कोतवाली से मुंशी और दीवान आ गए जीडी लेकर के। एसपी साहिबा ने कहा तेरे ऊपर मुकदमा दर्ज कराऊंगी और मुकदमा दर्ज करा के सस्पेंड नहीं नौकरी से बर्खास्त कराऊंगी। मुकदमा लिखाए शुरू हो गए बाबू। 8 साल का बेटा बगल में दीपक कुमार खड़ा था, सारी अपनी बात को सुन रहा था कि जो मेरा परवरिश कर रहा है जिंदगी में इसका भी बेटा नहीं हूं, एक कैसा इंसान है मुझे पालता है और मेरे परवरिश के लिए ता जिंदगी नौ शादी करने का संकल्प लिया हो। वह 8 बरस का दीपक कुमार अपने हिम्मत को जुटाया बाबू और दौड़ते गया एसपी साहिबा का पैर पकड़ के मोती जैसे आंसू उनके पैरों पे गिराने लगा और फरियाद करने लगा एक बात कह के, क्या कहता है मुन्ना? कलश की बाबू क्या मरी ना कर
ए जनीनी हाई माई फेंकी दी हली फेंकी दी हली मोरी मातरिया दू हो भिखिया दे दहो एसपी साहिबा का पैर पकड़ के 8 साल का मुन्ना रो रहा है, मैडम माई हमारे बाबू को नौकरी बचा लो हो, माई हमार बाबू बतावे लल किरे बेटा बनारस में हम आवत रही ड्यूटी पे, बाबा विश्वनाथ के दर से एक माली तोरा के कोतवाली में दिवी ले जात रहे, लाल तेरी व्यथा को सुना गोद में ले लिया, तुझे पढ़ाने के लिए अच्छा इंसान बनाने के लिए मैं कसम खा लिया मेरे मुन्ना, ता जिंदगी शादी नहीं करूंगा तेरे परवरिश के लिए। ई कह के हमार बाबू पढ़ावे लो, माई हमरे बाबू को नौकरी बचा ले, माई हमरे बाबू को नौकरी बचा ल, हम वादा करत ही हमरे बाबू को नौकरी बच जाई, हमरे बाबू के ट्रांसफर कर द, बाबू से के साथ दूर चल जाई, माई कबो तोरा फुलवारी में ना आई, भोई मतारी कबो फुलवारी में ना आई। जब रोने लगा वह मुन्ना बाबू महफिल में उस ऑफिस पे जितने लोग पुलिस महकमे के थे सबके आंखों से आंसू चलने लगे, और 5 मिनट के बाद कुर्सी से खड़ी होती है एसपी साहिबा तो आल्हा में कवि जी खलन का भैल के बाबू के करे जवारे अरे कठोर के बाद एसपी साहिबा कुर्सी से खड़ी होती हैं और गोद में उठा लेती हैं दीपक कुमार को, पॉकेट से रुमाल निकाल करके बहते हुए आंसुओं को पोछने लगती है, मत रो मेरे मुन्ना मत रो मेरे लाल मत रो, तेरे बाप की नौकरी को नहीं लूंगी,
दीपक कुमार को चुप करा रही और झरझर झरझर जब यशस्वी साहिबा के आंखों से आंसू बरसने लगे, बगल में खड़ा मनोज सिपाही हाथ जोड़ के कहा कि साहब यशस्वी साहिबा, ये मेरा मुन्ना तो अपने जिंदगी के परवरिश के लिए मेरा धर्म का बेटा है, आपसे मेरी नौकरी के लिए भीख मांग रहा है, रो रहा है, लेकिन आपके आंखों में आंसू, आप क्यों रो रही हैं यशस्वी साहिबा, आप क्यों रो रही हैं? कुछ फलों पलों के लिए मूर्ति के भांस शांत हो जाती है रोते रोते, एक बार जमाने को निहारती है यशस्वी साहिबा और कहती है कि दुनिया के लोगों, मेरे रोने का कारण जानना चाहते हैं, सुनो क्यों रो रही हूं, क्या बताती हूं? हमरे तनवा सही हो या नमर सुबह नवर सुनिला, प्यार में धोखा हम खैली रे बरिया, काशी के नगरिया फेकली और नमल रतन आलापन, लोक लगिया के मार भैली रे फरार, खैली कस रोते रोते यशस्वी साहिबा ने कहा कि जमाने के लोगों, ये दूसरा किसी का बेटा नहीं है, ये मेरे तन से जन्मा हुआ मेरा प्यार मेरे कलेजे का टुकड़ा है। जमाने के लोगों से बताई यशस्वी साहिबा ने, मैं बीएचयू में पढ़ रही थी, फला लड़के से मेरी मोहब्बत हुई, जीने मरने का वादा किया, लेकिन जब मेरा प्यार मेरे पेट में पलने लगा मुझे धोखा दे के फरार हो गया, और मैं ही अपने सहेली के साथ उस माली के दुकान पर रख के फरार हुई लोक लाज के चलते, लेकिन बाहर बाबा भोलेनाथ क्या आपकी महिमा है, 8 बरसों के बाद मेरे प्यार को मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया, मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया, ये मेरे ही तन से जन्मा हुआ मेरा कलेजा का टुकड़ा है, मेरा बेटा है, इसलिए रो रही हूं। सारे लोग फुसुर फुसुर करने लगे, बाहर मालिक क्या आपका इंतजाम है, ये यशस्वी साहिबा का बेटा है। यशस्वी साहिबा ने कहा कि मनोज सिपाही, प्यार में धोखा खाने के बाद मैंने कसम खा लिया कि ता जिंदगी अपनी शादी नहीं कर सकती हूं, मर्दों से मेरा विश्वास उठ गया, पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान दिया, मैं कंपटीशन में बैठी और आज आकर के इस मुकाम पे खड़ी हूं, लेकिन तुमसे कुछ मांगना चाहती हूं। क्या जाके कहती है, कैसे कहती है? आंखों में आंसू लेकर के टहलते पहुंचती है मनोज के पास और हाथ जोड़ के यशस्वी साहिबा कहती हैं, क्या कहती हैं? कहली की काशी में फेकली जवनी अनमोल रतनवा, अब मिलन मरा प्यारा जा तोहरे चमनवा, मनोज के चरणवा। कहती है यशस्वी साहिबा, तूने कसम खाया है इसके परवरिश के लिए कि धर्म के बेटा के परवरिश के लिए ता जिंदगी शादी नहीं करूंगा, और मैं मर्दों से प्यार में धोखा खाने के बाद
मैं भी कसम खा लिया, लेकिन तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ मनोज, दे सकते हो अपने बेटे के परवरिश के लिए धर्म के? एसपी साहिबा से कहा मनोज यादव के, एसपी साहिबा अपने बेटे के परवरिश के लिए मेरे पास जो भी होगा अपने जान को भी न्यौछावर कर दूंगा, मांग के देख लीजिए। एसपी साहिबा ने कहा कि जान नहीं देना है, केवल अपनी कसम तुम तोड़ दो, अपनी कसम मैं तोड़ दूं, इसका परवरिश हो जाएगा। तब भेजी के सिपाही आतबस्से नूरावा मगवली, अब मंदिर में मनोज साथे सतिया रचवली, अरे खेलत बसुगन आज दुनो के अंगना, नौकरी से इस्तीफा देने के बाद रात कोटा में दोनों परिवार है और ब्लड कैंसर के मरीज हो चुकी है, जिंदगी मौत से जूझ रही है। ये मैं अपने हमारे ही ग्राम सभा के रहने वाले शैलजा कांत मिश्रा, बसपा के सरकार में पुलिस महानिदेशक रहे, उन्होंने ही अपने विभाग की इस घटना को अवगत कराया, तो मैं विरहा के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाने का काम किया। यहीं से कभी कहानी का अंत करते आवा कि जय जयकार स्वामी गुरु जद्दू किलहराती फुलवारी, त्रिशिष्ट ने स्त्री नारायण संगमित वायद